दोस्तों ड्रीम इलेवन जीतने का यूनिक तरीका क्या है? ड्रीम इलेवन में आप हैशटैग वन रैंक कैसे लाएंगे? ड्रीम इलेवन में आपकी रैंक आते आते क्यों रुक जाती है? ड्रीम इलेवन से आप हार हार कर क्यों परेशान हो गए? आप कहां पर गलती करते हो? ड्रीम इलेवन से आप विनिंग जोन से बाहर हो जा रहे हैं, तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों किन किन दोस्तों बातों पर आपको ध्यान देना है, किन कुछ स्टेप है दोस्तों, वो भी हम आपको समझाएंगे। किस प्रकार से टीम बनानी चाहिए दोस्तों ड्रीम इलेवन में, किस प्रकार से दोस्तों कप्तान कप्तान का सिलेक्शन करना चाहिए ड्रीम इलेवन में, और ड्रीम इलेवन में आप लोग दोस्तों बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। ड्रीम इलेवन में दोस्तों हड़बड़ी मत करना दोस्तों, ड्रीम इलेवन को दोस्तों एक साधारण मत समझना। ड्रीम इलेवन जोखिम से भरा है, पर तो दोस्तों अगर दोस्तों एक बार आपने दिमाग लगा लिया तो दोस्तों आपकी जिंदगी और संवर जाएगी, दोस्तों आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों आओ चलते हैं, हम ड्रीम इलेवन की पूरी बातें आपको बताते हैं, आप लोग कहां पर गलती करते हैं और पूरी तरह से चूक जाते हैं ड्रीम इलेवन में। जो आप सपना लेकर गए हैं दोस्तों, वो सपना बिखर करके दोस्तों चकनाचूर हो जाता है। तो दोस्तों आओ देरी न करते हुए हम लोग आपको बताते हैं। दोस्तों ड्रीम इलेवन में आप लोगों ने देखा होगा आपके सामने दो टीमें होती है दोस्तों, बिल्कुल सही है। आपके सामने विशेष स्तर क्या होता है दोस्तों, एक दोस्तों यहां पर आपके सामने एक दोस्तों विकेट कीपर होता है, और तीन से दोस्तों यहां पर तीन से चौथों चार आपके पास बैट्समैन होते हैं, कम से कम दोस्तों दो ऑलराउंडर होते हैं, और दोस्तों आपके सामने और चार कम से कम बॉलर होते हैं दोस्तों। यहां पर दोस्तों ये एक विकेट कीपर होता है दोस्तों, यहां पर दोस्तों हमारे पास बैट्समैन होता है, यहां पर दोस्तों ऑलराउंडर होता है, और ये होते हैं हमारे पास बॉलर दोस्तों। तो ये चार भागों में दोस्तों ड्रीम टीम डिवाइड होती है। परंतु दोस्तों आप लोगों ने कभी ये सोचा कि आखिर हमें किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है? तो उन्हीं सब बातों को आज हम लेकर के आए दोस्तों आपके सामने कि ड्रीम इलेवन दोस्तों खेलते हो, पर ड्रीम इलेवन में आप लर्निंग नहीं करते, और वही लर्निंग नहीं करोगे दोस्तों ड्रीम इलेवन में अर्निंग होने भी वाली नहीं। ड्रीम इलेवन खेलने के लिए दोस्तों आप को रिस्क लेना पड़ेगा दोस्तों, आप रिस्क लेना नहीं चाहते दोस्तों। यहां पर दोस्तों आपके पास होते हैं दोस्तों सिलेक्शन पर्सन, हर खिलाड़ी के सामने दोस्तों यहां पर सिलेक्शन पर्सन लिखा होता है। ये मान लेते हैं एक खिलाड़ी का सिलेक्शन पर्सन 75 है, बी खिलाड़ी है दोस्तों A2 खिलाड़ी इसका सिलेक्शन पर्सन 60 है। इस प्रकार से दोस्तों हर एक खिलाड़ी के पास दोस्तों सिलेक्शन पर्सेंट होता है। तो दोस्तों हमने दोस्तों 100 प्लस टीमों का एनालिसिस किया, 100 प्लस टीमों को एनालिसिस करने के बाद पाया कि आप लोग 99% लोग आखिर ड्रीम इलेवन से क्यों बाहर हो जाते हैं, विनिंग जोन से क्यों बाहर हो जाते हैं। उसका मेन पॉइंट पाया हमने कि हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट के पीछे पड़ना। दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट सिलेक्शन एचएसपी के पीछे पड़ जाते हैं, हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट के खिलाड़ियों को ज्यादा ले लेना दोस्तों यहां पर पाया गया। दोस्तों यहां पर यह पाया गया हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट, एक होता है योरेस्ट सिलेक्शन पर्सन, एक होता है दोस्तों लोवेस्ट सिलेक्शन पर्सन। ये तीन प्रकार के खिलाड़ी आपके दोस्तों टीम पर होते हैं। आप लोगों के पास दोस्तों क्या होता है, हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन से 6 खिलाड़ी लगभग, और योरेस्ट से 9, और लोवेस्ट से दोस्तों लगभग दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं, और कुल मिला के दोस्तों ये 22 सदस्य आपके पास टीम होती है, और इन्हीं 22 में दोस्तों आपको 11 का सिलेक्शन करना होता है। आप क्या करते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं आप लोग, ये हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के 6 खिलाड़ी, और दोस्तों यहां योरेस्ट सिलेक्शन पर्सन से दोस्तों 5 खिलाड़ी लेकर के आप लोग 11 सदस्यीय टीम बना देते हैं, और दोस्तों यहीं से आप दोस्तों लॉस पर चले जाते हैं। आप दोस्तों ऊपर नहीं, आप दोस्तों नीचे की ओर धंसने लगते हैं, आपकी रैंक दोस्तों पीछे चली जाती है। दोस्तों आपको ये नहीं करना दोस्तों, आपको दोस्तों यहां पर दोस्तों आपकी जो ये मिस्टेक है, ये दोस्तों ये मिस्टेक दोस्तों आपको दूर करना है। ये हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सेंट वाला नहीं दोस्तों, योरेस्ट सिलेक्शन परसेंट वाला नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है लोवेस्ट सिलेक्शन परसेंट वाला। तो लोवेस्ट सिलेक्शन परसेंट का सिलेक्शन भी आपको गलत समझाने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोगों को समझना चाहिए कि आखिर आपका क्या गणित है, किस प्रकार से दोस्तों आप हार जाते हैं, किस प्रकार से दोस्तों परेशान हो जाते हैं। आओ चलते हैं, मान लेते हैं दोस्तों विराट कोहली का सिलेक्शन परसेंट 90% है, कितना है दोस्तों 90% है, और दोस्तों यहां पर इसको दोस्तों कितने परसेंट, लगभग दोस्तों सिलेक्शन परसेंट 90% है, अर्थात दोस्तों यहां पर 90%, इसका मतलब होता है कि 90% का पहले
तो आप लोग सिलेक्शन पर्सन समझिए। सिलेक्शन पर्सन का मतलब होता है, अगर दोस्तों सभी लोगों ने मिलकर के 100 टीम बनाई है तो वहां पर 90 लोगों की टीम पर दोस्तों विराट कोहली मौजूद है। दोस्तों यहां पर दोस्तों हम विराट कोहली को एक दोस्तों एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। विराट कोहली दोस्तों मौजूद है, आप देखिएगा जब विराट कोहली 90 पर टीम है, मान लेते हैं दोस्तों 1,00,000 लोगों ने टीम बनाई है, कितने लोगों ने 1,00,000 लोगों ने टीम बनाई है, वहां पर दोस्तों आप लोगों के सामने 90,000 टीम पर दोस्तों विराट कोहली है, 10,000 टीम पर दोस्तों किसी दूसरे को बनाया गया है जिसका सिलेक्शन पर्सन डाउन है। 90,000 लोग दोस्तों अगर विराट कोहली फ्लॉप हो जाते हैं, और दोस्तों ये देखा गया कोई भी अच्छा सिलेक्शन परसेंट वाला खिलाड़ी हो दोस्तों अगर वो 10 मैच खेलता है, हमने दोस्तों 100 मैच का एनालिसिस करने के बाद देखा तो दोस्तों ज्यादातर खिलाड़ी क्या होते हैं, 7 बार दोस्तों ये डीटी पर आते हैं। कितने बार दोस्तों 7 बार डीटी पर आए, तो दोस्तों यहां पर चांस दोस्तों 3 बार हुए, तो 90 वाला दोस्तों और इन्हीं खिलाड़ी को जिसका हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट होता है उसी खिलाड़ी को आप कप्तान उपकप्तान बना देते हैं। और जैसे ही दोस्तों 90% खिलाड़ी विराट कोहली को आपने कप्तान बनाया और दोस्तों ये आउट हो गया तो 90,000 लोग तो पहले ही बर्बाद हो गए, 90,000 लोग दोस्तों बिल्कुल से बर्बाद हो गए। अब बात आती है दोस्तों यहां पर 10,000 लोगों की, तो यहां पर का भी गणित आपको समझना चाहिए। यहां पर क्या होता है, आपने दोस्तों लोवेस्ट सिलेक्शन पर्सन का खिलाड़ी लिया, लोवेस्ट सिलेक्शन पर्सन से हम आप आशा रखते हैं जिसका सिलेक्शन पर्सन 30 से नीचे होता है। अब वहां पर दोस्तों इसको दोस्तों का सिलेक्शन पर्सन 5% है, कितना है दोस्तों इसका सिलेक्शन पर्सन दोस्तों लोवेस्ट खिलाड़ी है 5% से 10% है, तो दोस्तों यहां पर 5% का मतलब उसको कितने लोगों ने लिया, 500 लोगों ने लिया। और दोस्तों 500 पर आप लोग समझिएगा 500% 500 लोगों में एक नंबर लाना कठिन है, या दोस्तों 90,000 लोगों में एक नंबर लाना कठिन है, आप लोग खुद ही देखिएगा दोस्तों यहां 90,000 पर एक नंबर लाना है, यहां दोस्तों 500 लोगों पर #1 रैंक लाना है, तो दोस्तों ये लोग दोस्तों सफलता प्राप्त कर जाते हैं। और अधिकतर बार दोस्तों 10 में दोस्तों 7 से 8 बार यही देखा गया जो लोवेस्ट सिलेक्शन परसेंट वाले खिलाड़ी आपको दोस्तों डीटी पर नजर आए और दोस्तों आपको कप्तान उपकप्तान बनते नजर आए और आपको दोस्तों ग्रैंड लीग में 1 रैंक करके करोड़ों रुपए जिताते नजर आए। तो दोस्तों आपको यह बहुत बड़ी गलती नहीं करना, दोस्तों आपको हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के पीछे नहीं पड़ना, आप लोगों को करना क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। और दूसरी गलती दोस्तों आप लोग कहां पर गलती करते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा तो दोस्तों ये सिलेक्शन पर्सन की गलती आपको भारी पड़ जाती है। अब हम चलते हैं दोस्तों और भी हम आपको गणित समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप लोग दोस्तों मान लेते हैं ये एक स्ट्रांग टीम है दोस्तों, यहां पर दोस्तों एक स्ट्रांग टीम है और मान लेते हैं ये वीक टीम है, और आपके माइंड में दोस्तों पहले ही सेटअप हो जाता है कि आज ये टीम जीतने वाली है, जो टीम जीतने वाली है वो तो मान लो स्ट्रांग है। आपके दिमाग की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम अपने दिमाग से नहीं आपके दिमाग और सबके दिमाग से बात कर रहे हैं कि दोस्तों आपके दिमाग में पहले ज्वाइन दोस्तों आईपीएल का महामुकाबला दोस्तों पहला है, आरसीबी वर्सेस दोस्तों सीएसके के लगभग दोनों ही टीम इक्वल है, सबकी नजरों में यही है, परंतु कुछ लोग ऐसे चाहने वाले हैं कि दोस्तों वो आरसीबी को दोस्तों जो चाहता होंगे वो आरसीबी को स्ट्रांग समझ रहे होंगे और जो जो सीएसके के चाहता होंगे वो सीएसके को स्ट्रांग समझ रहे होंगे, तो दोस्तों परंतु असलियत है दोनों ही टीम लगभग इक्वल है दोस्तों, और प्रबल दावेदार सीएसके के का ही है दोस्तों। यहां पर तो सीएसके के हमने 6 खिलाड़ी और आरसीबी के 5 खिलाड़ियों को लेकर के टीम बनाना चाहिए, पर दोस्तों आप गलती कहां करते हैं। अब बात आती है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए स्ट्रांग खिलाड़ी है तो यहां से दोस्तों आप स्ट्रांग टीम समझ लिए तो यहां से आप क्या गलती करते हैं, यहां से दोस्तों आप 7 खिलाड़ी ले लेते हैं, और यहां से दोस्तों आप क्या करते हैं, यहां से आप दोस्तों क्या करते हैं, यहां से दोस्तों आप 4 खिलाड़ी लेते थे और 7 और 4 के अनुपात में दोस्तों आप टीम बना लेते हैं, 7 और 4 के अनुपात में आप टीम बनाते हैं, और 7 और 4 के अनुपात में टीम बनाने से पहले आप लोग दोस्तों कहां कहां का ध्यान नहीं देते, दोस्तों किन किन बातों का ध्यान नहीं देते वो हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले दोस्तों देखना चाहिए टॉस, नंबर एक आपको क्या देखना है दोस्तों, नंबर एक में आपको देखना है टॉस। टॉस से ये पता चल जाता है कि आखिर पिच कैसा बिहेव करती है, टॉस से दोस्तों पिच का सीधा संपर्क है। दूसरे नंबर पर देखना चाहिए दोस्तों पिच कैसी है, दोस्तों यहां पर पिच
समझे, टॉस जीत करके कोई भी टीम, दोस्तों अगर कोई भी टीम टॉस जीतती है पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेती है, इसका मतलब बॉलिंग पिच है। टॉस जीतने के बाद कोई भी टीम बैटिंग करने का निर्णय लेती है, इसका मतलब पिच दोस्तों बैटिंग है। दोस्तों ये बात आप लोगों को समझना है। पिच भी में दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान देता है, पिच दोस्तों पेसर्स के लिए मददगार है या पेसर्स के लिए मददगार है या स्पिनर के लिए, दोस्तों इस बात का भी दोस्तों निर्णय लेना है, पेसर्स के लिए मददगार है या दोस्तों स्पिनर के लिए मददगार है। उसके बाद दोस्तों पिच में आपको यह भी ध्यान देना है कि पहले इनिंग के खिलाड़ियों ने कितने परसेंट मैच जीता है और सेकंड इनिंग के खिलाड़ियों ने इस पिच पर इस ग्राउंड पर कितने परसेंट मैच जीता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को तीसरे नंबर पर ध्यान देना है दोस्तों, हमने बताया सिलेक्शन परसेंट का, दोस्तों सिलेक्शन परसेंट का भी ध्यान देना है। सिलेक्शन परसेंट के बाद चौथे नंबर पर आप माइंड आप मेकअप जो एक खिलाड़ी के ऊपर या एक टीम के ऊपर कर लेते हैं, माइंड आपको मेकअप नहीं करना दोस्तों, आपको उस खिलाड़ी पर आपको अपना दिल नहीं दे बैठना, आपको विनिंग करना है तो दोस्तों आपको रिस्क लेना पड़ेगा उस खिलाड़ी पर आप जोखिम। आपको दोस्तों पांचवा नंबर है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते दोस्तों, रिस्क नहीं लेना चाहते, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। छठवें नंबर की बात है दोस्तों सीवीसी, दोस्तों सीवीसी कॉम्बिनेशन में आपकी बहुत बड़ी गलती। ये दोस्तों कुछ पॉइंट होते हैं ड्रीम इलेवन में आपको विनिंग जोन से बाहर करवाने के। तो दोस्तों आज संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को स्किप ना करना, आज संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर क्या होता है, हम मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग टीम है, ये सात खिलाड़ी आपने लिया। दोस्तों यहां पर क्या होता है, सात खिलाड़ी में दोस्तों यहां पर दोस्तों आप क्या करते हैं, एक खिलाड़ी ओपनर ये ले लेते हैं और अच्छे दोस्तों यहां पर दोस्तों ये तीन खिलाड़ी ले लेते हैं, दो या तीन खिलाड़ी ले, एक विकेट कीपर लेना है, दो खिलाड़ी आप यहां से ले ले और दो खिलाड़ी आपने ऑलराउंडर ले लिया, पांच खिलाड़ी हो गए और दो दोस्तों आपने अच्छे दोस्तों यहां पर बॉलर ले लिया, इस प्रकार से सात खिलाड़ी। और इधर क्या करते हैं आप, इधर से चार खिलाड़ी लेना है। दोस्तों आप लोगों ने क्या किया, एक खिलाड़ी तो दोस्तों यहां से ले लेते हैं, एक खिलाड़ी दोस्तों आपने ऑलराउंडर से लिया, दो खिलाड़ी आपने बॉलर ले लिया। अब यहां पर दोस्तों अपनी टीम बन जाती है, यहां पर गलती होती है। अब बात होती है टीम, तो आपने यूनिक टीम बना लिया, बहुत ही अच्छी आपने यूनिक टीम बनाया दोस्तों, आपके दिमाग में ये बात आ गई कि दोस्तों आज हम बहुत अच्छी यूनिक टीम बनाए, आज जरूर दोस्तों करोड़ों रुपए जीतने के हकदार हैं। और दोस्तों ये बात दोस्तों केवल क्या होती है, सपने में होती है दोस्तों, ये दोस्तों केवल इच्छाएं होती हैं वो सपने में होती हैं और सपने की बातें दोस्तों सही ज्यादातर नहीं होती। तो दोस्तों आपको सपना देखना है परंतु खुले आंखों से देखना है, क्योंकि कहा ही जाता है सपने सच वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने सच वही होते हैं जो सोने नहीं देते। तो सपना तो देखना है पर खुली आंखों से सपना देखता है, कहीं बंद आंखों करके वाला सपने को आप साकार मत समझना। तो दोस्तों आओ चलते हैं, देरी न करते हुए दोस्तों आपको हम बताते हैं अब आपने क्या किया। दोस्तों यहां रिस्क नहीं लिया, दोस्तों आप लोगों ने यूनिक टीम तो बना ली है, यूनिक टीम बनाने के बाद दोस्तों आप सोच रहे रिस्क लेने का, परंतु दोस्तों आपके मन में आपके दिल में दोस्तों माइंड ने कहा है आप बनाइए रिस्क लीजिए, परंतु आपके दिल ने गवाही नहीं किया, आपके दिल में विराट कोहली बसे हुए, आपने विराट कोहली को दोस्तों कप्तान कप्तान बना दिया और वही भेड़ चाल पर आप शामिल हो गए जिस भेड़ चाल पर 99% लोग शामिल है। दोस्तों ये दोस्तों हकीकत होती है ड्रीम इलेवन की, एक काली सच्चाई समझ लीजिएगा दोस्तों, ये है दोस्तों 99% लोग। तो दोस्तों आप दोस्तों हैशटैग वन रैंक के लिए खेल ही नहीं रहे तो दोस्तों आप दोस्तों नंबर एक रैंक कैसे लाएंगे, आप दोस्तों विनिंग जोन के लिए खेल रहे हैं तो विनिंग जोन के लिए खेल रहे हैं तो दोस्तों जाइए हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट पे और विनिंग जोन पर बने रहेंगे और दोस्तों वहां पर आप दोस्तों अपनी रकम वापस करते रहेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को ये गलती नहीं करनी। अब दोस्तों बात आती है अब कप्तान कप्तान में आप क्या करते हैं दोस्तों, विशेषतर दोस्तों लोग करते हैं दोस्तों हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन के ही खिलाड़ी को सीवीसी कंडक्ट कर देते हैं, कप्तान कप्तान भी हाईएस्ट सिलेक्शन पर्सन से बना देते हैं। पहली गलती दोस्तों यहां पर भी है, आपको कप्तान कप्तान किस प्रकार बनाना है दोस्तों, यह स्ट्रॉन्ग टीम हमने बताया, ये मान लीजिए वीक टीम है, आप लोग क्या करते हैं और दूसरी गलती क्या करते हैं, अगर दोस्तों एक टीम से आप कप्तान बना देते हैं
तो दोस्तों दूसरी टीम पर जाते हैं और वहां पर दोस्तों आप किसी को दोस्तों मान लेते हैं, यहां पर बॉलर को अपने वाइस कैप्टन बना देते हैं। दोस्तों यहां पर भी आपने गलती कर डाली। आखिर क्या गलती कर डाली, हर बार हम यही करें, आपने गलती कर डाली। बिल्कुल दोस्तों गलत, यहां पर आप लोग समझ रहे होंगे, अब समझने की जरूरत है दोस्तों, अब समझने की जरूरत है। यहां पर दोस्तों आपके ये बैट्समैन है दोस्तों, एक से दो तीन आपके बैट्समैन है और ये आपने बॉलर लिया, जो बॉलर दोस्तों आपके दोस्तों ये हैं, जो पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों में बॉलिंग करा रहे हैं। अब ये ओवर दोस्तों ये बॉलर आपके इन बैट्समैन को बॉलिंग कराएंगे नहीं कराएंगे दोस्तों? जी हां बिल्कुल कराएंगे। अगर ये बॉलर दोस्तों आपके बैट्समैन का विकेट ले लेते हैं तो दोस्तों ये बॉलरों की तो बल्ले बल्ली हो जाएगी दोस्तों, आपको पॉइंट दे जाएंगे और वाइस कैप्टन की रेस में आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इन्होंने विकेट लिया, दो तीन विकेट अगर निकाल दिया शुरुआत के दोस्तों, तो आपके बैट्समैन से दोस्तों एक भी पॉइंट देता पॉइंट जो आपने उम्मीद किया था, कप्तान उपकप्तान बनाया, पूरी तरह से दोस्तों आपकी टीम खत्म हो चुकी है। अगर दोस्तों ये दोस्तों विकेट नहीं लेते, अगर विकेट नहीं लेते दोस्तों तो क्या होगा, विकेट अगर नहीं लेंगे तो दोस्तों यहां पर इन दोस्तों वाइस कैप्टन आपने बना दिया है तो यहां पर दोस्तों आपका वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाएगा, यहां से पॉइंट खत्म हो जाएंगे और दोस्तों एक तरफ इधर पॉइंट आ जाएंगे और दोस्तों आपको 11 खिलाड़ी को ड्यूटी पर लाना है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार की गलती दोस्तों आपको नहीं करनी। आपको अगर स्ट्रांग टीम है, अगर दोस्तों आपने यहां पर कप्तान कप्तान बनाना है तो दोस्तों इसी के बॉलर को दोस्तों आप वाइस कैप्टन बना दीजिएगा दोस्तों, आपको वाइस कैप्टन इसी के बॉलर को बना दीजिए। इसका दोस्तों वीक टीम है, इसका बॉलर भी दोस्तों विकेट ले लेंगे और इसका दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग टीम है तो ये बॉलर आपके विकेट नहीं ले पाएंगे दोस्तों, विशेषतर ये देखा जाता है। और आप इस प्रकार की गलती करते हैं और दोस्तों करोड़ों का नुकसान कर लेते हैं। एट लास्ट ये पता चल गया कि आईपीएल के दौरान दोस्तों आपने लाखों रुपए दोस्तों गंवा दिए है दोस्तों, लाखों रुपए गंवा दिए दोस्तों। परंतु और हम आपको बताते हैं, आप लोग दोस्तों क्योंकि ड्रीम इलेवन ने दोस्तों आपको छूट दे दी है 20 टीम बनाने की, आप लोग दोस्तों 20 टीम के चक्कर पर मत बनाइए, एक यूनिक टीम बनाइएगा। यूनिक टीम तीन से चार दोस्तों, तीन से चार यूनिक टीम 20 टीम बनाते हैं और 20 टीम का दोस्तों मान लेते हैं 20 टीम में 49 रुपए